अम्बाला कैंट के महेश नगर में प्रशासन का पीला पंजा कई दुकानों पर चला। दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने कहा कि उन्हें कार्रवाई के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट के आदेश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की तैनाती में अम्बाला सहारनपुर मार्ग पर स्थित महेश नगर की 63 दुकानों पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में कुछ दुकानदारों ने NHAI की इस अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के आगे सभी बेबस नजर आए। एक दुकानदार का कहना है कि उन्हें कार्रवाई से पहले थोड़ा समय दिया जाता तो वो अपना सामान निकाल लेते। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि अदालत के आदेश पर की जा रही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का समय देने के बावजूद इन्होंने दुकानों से अतिक्रमण नहीं हटाया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सब नोटिस तो आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, मगर ये जो केस जो चल रहा है काफी टाइम से, ये पैमाइशें वगैरह हो रही थी, अब ये दोनों तरफ का बराबर न्याय के हिसाब से काम होना चाहिए। उधर का भी चल रहा था और इधर का भी चल रहा था, मगर अभी कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा हम कह रहे हैं 5-10 मिनट का हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम अपना शटर उतार पा सके। अदालत के आदेश पर आज आखिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में 63 अतिक्रमणकारी दुकानदारों के खिलाफ सुबह कार्रवाई शुरू की। अथॉरिटी के प्रबंधक ने बताया कि हाईकोर्ट में उन्होंने 29 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। अब करीब 9 ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने अपनी अतिक्रमण को नहीं हटाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी 13 दुकानों पर स्टे लगा हुआ है। अदालत से आदेश मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। करीब 2 महीने पहले इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके बाद निशानदेही भी दी गई और 22 दुकानों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया था और बाकी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तोड़फोड़ जो हो रही है ये हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रही है। 63 लोग जो अनुतराज कंस्ट्रक्शन थी उसके तहत ये किए गए, 13 लोगों का स्टे था उसके छोड़ दिया गया है। अभी उसके तहत बाकी जो भी बचे हुए हैं उनको सब डिमोलिश कर दिया गया है और इसके साथ जो भी अगर हाईकोर्ट की 29 तारीख लगी हुई है जो भी उसके बाद केस होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई करने आए अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए वक्त दिया गया था, परंतु जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया वहां पर कार्रवाई की जा रही है।